दिल्ली पुलिस से स्पेशल सेल ने दो कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है खुलासा ये कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने 55 लाख की सुपारी लेकर यमुना पार में रहने वाली एकता जोशी जो एक किन्नर थी उनकी हत्या की थी अब इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है लेकिन पूरा जो किन्नर समुदाय है वो कहीं ना कहीं सकते में है अपनी सुरक्षा को लेकर साथ ही साथ इंसाफ की मांग भी कर रहा है आपको बता दें कि 5 सितंबर 2020 को ये जो आप आलिशान कोठी देख पा रहे हैं इसी कोठी के ठीक बाहर आ, जो दो हमलावर थे स्कूटी पर सवार वो आते हैं और बेहद करीब से जो किन्नर एकता जोशी है उनकी हत्या कर देते हैं अनीता जोशी जो उस वक्त जो कार थी उसमें मौजूद थी साथ में हम पहले उनसे जानते कि हुआ क्या था हुआ क्या था उस दिन हुआ ये था जी मैं नगर से आ रही थी एकता जोशी मेरी चेला थी मैं उसकी गुरु हूँ अनिता जोशी जैसे ही गाड़ी रुकी वो पीछे से उतर के आई मेरा गेट खोला उसने मैं उतरने लगी जब दो स्कूटी पे दो सवार आए उन्होंने पास से गोलियां चला दी उसने छत पकड़ ली और मुझे उतरने नहीं दिया जब वो गिर गई मैं उतर के उनके पीछे भगी तो वो भग गए कोई पकड़ नहीं पाया उन्हें जी आ, आ, अपना नाम बताइए और आ, ये बताइए कि क्यों इस हत्या की वजह क्या है क्यों एकता की हत्या हो मैं संजना हूँ मैं एकता की गुरु भाई बोल रही हूँ उसकी मेन वजह यही थी इज्जत और शोहरत मेन उसकी जेलस थी उनको लोगों को उनको जेलस बहुत ज्यादा थी कि वो उसके ऊंचाइयों पर नाम चल रहा था और उनका नाम नहीं था जहां भी समाज में वो जाती थी तो वहां वो सिमरन भी जाती थी वहां उनके झगड़े होते थे और झगड़े इस विवाद पर पहुंच जाते थे कि हमारा नाम क्यों नहीं है इस वजह से उन्होंने सुपारी दी उसको मारने के लिए और फिर उनको शूट करवाया तो अब आपकी क्या डिमांड है क्या आप चाहती हैं हमारी यही अपील है सरकार से कि हमारे हमें इंसाफ दिया जाए जैसे हमारा गया उसका भी जाए हमें तो इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए एक चीज ये भी जानकारी में आई है कि यमुना पार का जो इलाका है मतलब ये है कि यमुना पार के इलाके में जो पैसों का कलेक्शन है वो आप लोग करेंगे तो ये भी एक विवाद था कि पैसों के कलेक्शन को लेकर किस तरह से डिवाइड होता है। ऐसा कोई वो बात नहीं थी मैं हूँ सोनम किन्नर लक्ष्मी नगर की रहने वाली हूँ है ना मेरा नाम लिया जा रहा है कि हाँ भाई इसके इलाके की लड़ाई थी कमल की वर्षा की और मंजूर अली की है ना तो मेरे इलाके की उनसे कोई लड़ाई नहीं मुंह दर मुंह मू मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई उन लोगों के साथ पर उनको डर था कि हाँ वो मेरा इलाका मांगते हैं तो इस करके उन्होंने चार सीट में भी बयान दिया है मेरा नाम का जिक्र किया है कि इसकी वजह से हमने ये किया है नहीं उसका मर्डर किया सोनम और राजकुमारी और नूरी की वजह से नूरी के घर की लड़ाई थी उनके आपस की ये, ये क्लियर है मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ कि जो आपका समाज है तो किस तरह से जो एरिया है डिवाइड होता है कि आ, क्या आप लोग में आपसी ये समझौता है कि ये फला इलाका आपका आ, है आ, ये होता फला है। इलाका है ये आपका है। हमारे में तो पंच फैसला होता है सर पंच ही हमारा डिवाइड करते हैं जब पंच फैसला हो जाता है तो सरकार की तरफ से भी होता है फिर अच्छा। समझ ना फिर अदालत से भी कर लेते हैं पर पहले हमारे पंच फैसले कोई मानते हैं उसी को मान्यता तो दी जाती है और हमारा कोई इलाके का को विवाद किसी का था नहीं बस यही था कि वो जो थी वो पंच थी छोटी सी उम्र की थी वो अच्छा बोलती थी मीठा बोलती थी सबकी उसकी चलती थी सब लोग मानते थे पूरे हिंदुस्तान के पंच उसको कहते थे हाँ भाई अच्छा बोलती है जैसे एक पंच होते हैं बस इसी चीज से जलिस के इन्होंने ये कदम उठाया बाकी कोई इलाके की लड़ाई नहीं थी बाकी कुछ और, वैसा कोई झगड़ा पर्सनल नहीं था सिर्फ ये शोहरत की थी अब ये तो किसी को भी मिल सकती है तो हमारे प्रधानमंत्री तो जी तो हैं हमारे तो और हैं हम नेता जी हैं कोई शोहरत पा जाते हैं कोई इतनी शोहरत नहीं पाते हैं तो ये है, तो इस तरह की वो किया है ये जो गोली कांड हुआ है क्या इसके बाद जो किन्नर समुदाय क्या उसमें दहशत भी है या लोग डरे हुए भी है कि इस तरह से पैसे कलेक्शन हाँ जी डरे हुए हैं मैं बोल रही हूँ चाहत सोनम जी की चेला लक्ष्मी नगर से हमको डर भी है और हमें डर भी लगता है हम अपने मोदी जी से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील गोहार करते हैं और गुहार लगाते हैं जो एकता जोशी गया गया। के मर्डर के जो मर्डरी पकड़े गए हैं आलिया सिमरन और गगन पंडित आमिर और जो भी जितने भी छह पकड़े गए हैं वरुण इन सबको सख्त से मंजूर अली सख्त सख्त कार्रवाई इनके साथ की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए और आगे ऐसी कोई घटना ना घटे हमें डर है, है, है कि हम के ये छूटे तो कि हम पे भी वार कर सकते हैं तो, तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा किन्नर समुदाय है और हालत ये है कि अगर आप देखें पीछे की तरफ तो बाकायदा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है दो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे जो ये सीसीटीवी कैमरा है इस सीसीटीवी कैमरे से भी मोबाइल के जरिए मॉनिटरिंग होती है इस कदर डर है जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 55 लाख रुपए सुपारी किन्नरों के दूसरे गुट ने दी थी एकता जोशी की हत्या के लिए इसमें कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन स्पेशल सेल ने जो दो शूटर हैं गगन पंडित जिस पर एक लाख रुपए का इनाम था वरुण पंडित जिस पर पचास हजार रुपए का इनाम था दोनों को गिरफ्तार किया है पूछताछ चल रही है लेकिन पीछे हमारे जो किन्नर समुदाय है वो इस पूरे हत्याकांड से न सिर्फ सख्ते में है बल्कि अब इंसाफ की गुहार भी लगा रहा है कैमरामैन राकेश के साथ अरविंद ओझा दिल्ली आज तक अब प्रॉपर पुस्त इस से चला आ रहा है ये तो जो हमारे गुरु थे फिर उनके भी गुरु थे फिर उनके भी गुरु थे तो बता नहीं सकते कि कितने वर्षों की बातें हैं तो जैसे आप लोग हैं आप अपने पिताजी की संपत्ति पे बैठे हुए हैं और आपके घर के लोग कह के गए हैं कि ये मकान आपका है तो इसी तरीके से हमारे गुरु भी हमारे बताते हैं कि यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये आपका एरिया हैगा ये आपका घर हैगा इस चीज़ को आपने पार नहीं करनी है ये आपकी हद है फिर ये जो विवाद था जो झगड़ा था कुछ हमें जानकारी मिली कि फरीदाबाद के भी थे और कुछ दूसरा गुट ये, ये, दू, ये दूसरे गुट का विवाद क्यों देखो जी आज के जमाने में तो आप जानते हैं कि कंपटीशन का जमाना है जब कोई इंसान चढ़ने लगता है तो हर किसी को जलस होती है तो कुछ ऐसी जलसे हम लोगों के समाज में भी होती हैगी तो इसी वजह से उन लोगों ने ऐसे अंजाम दिया है और जो भी इन्होंने किया है गलत किया है अच्छा नहीं किया हैगा और सरकार से तो हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी जितने भी क्रिमिनल हैं ये इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और क्या बोलते होंगे ऐसा इनके साथ अंजाम किया जाए कि ताकि कल को किसी दूसरे वक्त को अंजाम ना दे सकें ऐसा ये नहीं समझते हैं कि मरने वाले को तुम जिसको मारने जा रहे हो उसको एक जना मरेगा अब वो नहीं समझते हैं कि एक जने के पीछे ये नहीं पता उनके परिवार में कितने लोग मर चुके हैं तो इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए हो सके तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल ही फांसी दे दी जाए